धर्म और मजहब के नाम पर हिंसा की सियासत का दर्द उन गरीबों को उठाना पड़ा जिनका दर्द कोई खुदा या कोई भगवान कभी नहीं सुनता। चिलकती धूप, दहकती गर्मी, सर्दी और बरसात में अपने सिर पर छत का जुगाड़ कर जैसे तैसे अपना पेट भरने वालों से उनके सहारे छीन लिए गए। सुबह 7 बजे से ही उत्तरी नगर निगम के 9 बुलडोजर गरीबों के आशियाने तोड़ने पहुंच गए थे और 9:30 बजे से तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, जबकि ये बुलडोजर 2 बजे के बाद चलाए जाने थे। दिल्ली पुलिस के 400 जवानों समेत अर्धसैनिक बलों के 1500 से ज्यादा जवानों की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण तोड़ने का जोर शोर से शुरू हो गया था। तोड़फोड़ से पहले डर का माहौल पैदा करने के लिए इन जवानों ने फ्लैग मार्च किया, छतों पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए। इस दौरान कई मकान, दुकानें बुलडोजरों से तोड़ दी गई। ये कार्रवाई 2 दिन तक चलनी थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई 12 बजे के बाद भी जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में फिर से जिक्र हुआ और आदेश की कॉपी लेकर सीपीएम नेता वृंदा कारत जहांगीरपुरी पहुंची। करीब 1 बजे जाकर बुलडोजर खामोश हुए। ये बहुत ही जरूरी हस्तक्षेप है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये पूरे तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाकर बुलडोजर के द्वारा देश की राजधानी में एक ऐसे रिकॉर्ड कायम करने के प्रयास बीजेपी ने किया है, और हमें बहुत खुशी है कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक अपराधी कार्य जो बीजेपी के हाथों हो रहा था देश की राजधानी में, उसको रोका गया। बुलडोजर थमने तक मस्जिद के आसपास की दुकानें और गेट तोड़ा जा चुका था। इसे लेकर कांग्रेस ने भी गंभीर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि संवैधानिक मूल्यों को ढहाया जा रहा है। जिस प्रकार की हिंसा हो रही देश के अंदर, जगह जगह रामनवमी पे 7-8 राज्यों में हिंसा हो गई, कोरोना में पहली हिंसा हो गई थी, जो चालाकी से लोग कर रहे हैं, हिंसा में नुकसान किसी को हो रहा है, और सोशल मीडिया पे चलाएंगे जी, दूसरे पक्ष के लिए कहेंगे कि इनको ज्यादा नुकसान होगा, हिंदू मुस्लिम की बात कर देंगे, नुकसान अगर मुस्लिम को होगा तो ये कहेंगे हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भड़काने के लिए लोगों को। इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर, उसको पूरे देशवासियों को, नौजवानों को विशेष रूप से समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर की इस कार्रवाई को तुर्कमान गेट 2022 नाम दिया। जो कुछ भी हो चुका है ये तुर्कमान गेट 2022 है, और ये विजिलांटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा ये है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। वहीं बीजेपी सांसद GVL नरसिम्हा राव ने जेसीबी की नई परिभाषा ही दे डाली। उन्होंने ट्वीट कर जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड बताया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन बीजेपी अब भी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। जिस तरह से उस इलाके की के अंदर इन दंगाइयों के द्वारा अवैध कब्जे, अतिक्रमण अवैध रूप से किया जा रहा है, अवैध धंधे किए जा रहे हैं, आज हम लोगों ने, हमारे साथ नेता विपक्ष और सांसद ने मिलकर पुलिस कमिश्नर और MCD के कमिश्नर से मांग की कि दंगाइयों की अतिक्रमण और उनके द्वारा संपत्तियों पर अवैध कब्जा और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर तुरंत संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उनके अतिक्रमण को हटाया जाए, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने वाले फैसले पर ही सवाल उठा दिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर स्टे का ऑर्डर, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आप सोचिए, रात को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया है और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है? कपिल सिब्बल। 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आता है। आप सोचिए कितने पावरफुल है इस प्रकार के ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अंसार जैसे लोग, और इसीलिए इतनी हिम्मत है इनमें कि ये पुलिस के ऊपर गोली चला रहे।
दरअसल हनुमान जयंती पर निकले हथियारबंद जुलूस और स्थानीय लोगों के बीच टकराव के बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं एक ही परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। दिल्ली पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी माना था कि जुलूस निकालने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर अनुमति नहीं दी गई थी तो जुलूस निकला क्यों? वहीं हाथों में हथियार लिए कितने उपद्रवियों के खिलाफ भी NSA के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की गई? बहरहाल नफरत की सियासत ने अदालतों की भूमिका को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।